जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश में एक पूरे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आई है। बीज से लेकर बाजार तक का जो सपना दशकों से करोड़ों किसानों ने पाला था वह लगभग साकार होने लगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, आमदनी के नए स्थायी स्रोत निर्मित करने, किसान कल्याण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास हुआ है। फसल बीमा योजना, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, किसानों की जोखिम कम हो और विशेष रूप से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ताकतवर हों, इसकी कोशिश हुई है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये किसान भाइयों को 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में जा रहे हैं। पारंपरिक खेती से हट करके कैसे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, इस पर भी विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। मुझे लगता है कि सेक्टर से जुड़े ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक कीपर्स या हमारे चरवाहे भाई जो हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से हमारे पशुधन का पालन पोषण किया है, उन्हें नई व्यवस्था मिले, सुविधाएं मिले, संसाधन मिले, उनकी आमदनी और बेहतर हो, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो सकता है, इस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर के काम किया है।